दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम यूनिक कोरियन पोटैटो स्टार्टर की रेसिपी, जो आप लोगों को बेहद ही पसंद आने वाली है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर स्वागत है आपका टेस्टी ट्रिट्स विद नीतू में। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी अच्छे लगे तो इन्हें लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल टेस्टी ट्रिट्स विद नीतू को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूले। एकदम यूनिक और लाजवाब कोरियन पोटैटो स्टार्टर बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं 300 ग्राम उबले हुए आलू। आलू को हमें ओवर कुक नहीं करना है, 90% इतना ही उबालना है। और फिर गरम गरम आलूओं को ही हम मैश करेंगे। ये इस तरह से एक छलनी ले लीजिए और एकदम गरम गरम आलू को ही हम इस तरह से स्पून की हेल्प से प्रेस करते जाएंगे। इस तरह से छलनी में निकाल लेने से क्या होगा कि हमारे आलू बहुत ही बढ़िया से मैश हो जाएंगे, क्योंकि फाइनली हमें आलू से डो ही लगाना है। दोस्तों, ये इस तरह से हमें छलनी के नीचे से इसे हटाते जाना और सभी आलूओं को मैश कर लेना है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे ही आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब बारी आती है मैश किए हुए आलूओं से डो लगाने की। तो इसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 300 ग्राम इतना ही आरा रोट यानी कॉर्नफ्लोर। इसे मैं एक ही बार में पूरा नहीं डालूंगी, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें आरा रोट मिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत सी बार आलू अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं, किन्हीं आलूओं में ज़्यादा पानी होता और किन्हीं आलूओं में कम पानी। तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो लगाएंगे। एक ही बार में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी लेंगे और इसका एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो इस रेसिपी को बनाने के लिए कोरिया में मैदे का यूज़ किया जाता है, लेकिन अपने यहाँ पर इस रेसिपी को कॉर्नफ्लोर से बनाया जाता है। इस रेसिपी को एक बार आप भी ट्राई ज़रूर से करना, यकीन मानिए आपके घर में सभी को यह बेहद ही पसंद आएगी। और ये लीजिए, डो लगकर तैयार हो गया है। अब डाल देंगे डो पर थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेते हैं, जिससे यह हाथ पर चिपकेगा नहीं। हमारा डो लगकर तैयार हो गया है। इस डो को हमें रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है, हम डायरेक्ट इससे अब नाश्ता बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करके डिज़ाइन बनाऊंगी। आप इसकी जगह कांच की बोतल या फिर इस तरह से किसी और दूसरी बोतल से भी इसे बना सकते हो। अब हाथ पर लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल और फिर इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे। इससे बड़ी हमें लोई नहीं लेनी है, नहीं तो यह नाश्ता बाद में फूल कर और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह की गोल लोई बना लेनी है। अब लेंगे बोतल और बोतल के मुंह को भी ऑयल से ग्रीस कर लेना है, जिससे डो इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। और फिर लोई के बीच में इस बोतल को रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर इसे घुमाते हुए बाहर निकालेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा मशरूम डिज़ाइन का पोटैटो स्टार्टर बनकर तैयार हो गया है। हम बाकी के बचे स्टार्टर को भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। पर एक बात का ध्यान रहे दोस्तों कि हर बार हमें हाथ को ऑयल से ग्रीस करना है और बोतल के एंड को भी हमें ऑयल से ग्रीस करके ही लेना है, जिससे हमारा डो इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर घुमाते हुए निकालेंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बन जाएगी। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे सारे पोटैटो स्टार्टर बनकर हो गए हैं तैयार। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसके लिए यहाँ मैंने गैस पर 3 से 4 गिलास पानी को अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी में आ गया है अच्छे से उबाल, तो अब हम एक एक करके इन्हें डालेंगे। एक ही साथ में हमें सारे नहीं डाल देने हैं, नहीं तो क्या होगा कि पानी का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाएगा। इसीलिए हम एक एक करके इन्हें डालेंगे और फिर 2 से 2.5 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर इन्हें उबलने देना है, जिससे ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। इनके पकने की निशानी ये है कि ये जैसे ही उबलेंगे तो यह ऊपर पानी पर तैरने लगेंगे। तो समझ लेना कि हमारे पोटैटो स्टार्टर बनकर तैयार है।
बीच बीच में इन्हें एक दो बार उलट पुलट करके चला लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये सभी तरफ से अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए, 2.5 से 3 मिनट के बाद हमारे पोटैटो मशरूम बनकर तैयार हो गए। तो अब मैं इन्हें एक छलनी पर निकाल लूँगी, जिससे सारा पानी निकल जाएगा। यदि ये पोटैटो मशरूम थोड़े से ज़्यादा कुक हो जाए तो आप इन्हें एकदम चिल्ड वाटर में डाल दीजिए, जिससे इनकी कुकिंग प्रोसेस तुरंत ही रुक जाएगी और ये ज़्यादा कुक नहीं होंगे। हमारे बेसिक पोटैटो स्टार्टर तो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें टॉस करेंगे। आप चाहो तो इन्हें पास्ता सॉस में टॉस कीजिए या फिर चिली गार्लिक सॉस में। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एक बड़ा बाउल, और बाउल में डाल देंगे 1 से 1.5 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियों को इस तरह से चॉप करके डाल देना है। वैसे तो इन्हें थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और 2 से 3 बड़ा चम्मच डाल दिए हैं मैंने ग्रीन ऑनियन स्प्रिंकल। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे चीनी। चीनी की जगह शुगर पाउडर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अब डाल देंगे हम 2 से 3 बड़ा चम्मच सोया सॉस। अब सबसे लास्ट में डाल देंगे इसमें नमक। अब सभी चीज़ों को कर लेना है आपस में अच्छे से मिक्स। और सबसे लास्ट में इसमें हम डालेंगे ऑयल। इस तरह से कोई भी तड़का पैन ले लीजिए या फिर छोटा पैन ले लीजिए, और उसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल, और ऑयल को अच्छी तरह से गरम होने देना है। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम इसे इमीजिएटली तैयार मिक्स में पोर कर देंगे। यदि आप चाहो तो इस गर्मा गर्म ऑयल में पहले लहसुन को डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और फिर इसमें पोर कर दीजिए। अब हम कर देंगे अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स, जिससे चीनी सॉस नमक सभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और ये लीजिए, हमारा चिली गार्लिक ऑयल बनकर तैयार हो गया है। गर्मा गर्म तैयार चिली गार्लिक ऑयल को डाल देंगे पोटैटो मशरूम के ऊपर और फिर इन्हें कर लेंगे अच्छी तरह से कोट। फ्रेंड्स, इस रेसिपी का नाम है कोरियन चिली गार्लिक पोटैटो स्टार्टर। जितना बड़ा इस रेसिपी का नाम, उसके अपोजिट यह रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी फटाफट से जाइए किचन में और इस रेसिपी को बनाकर तैयार कीजिए। और कैसी बनी आपकी रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना।